हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमित श्रीवास। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी जिसे हम फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, बेल्स पैल्सी मतलब मुंह का पैरालिसिस, तो जिसे हम एक्यूट पेरिफेरल फेशियल नर्व पैल्सी भी कहते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, किन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना रहती है, यदि आपको बेल्स पैल्सी होता है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप केयर कर सकते हैं इस कंडीशंस में। तो आइए हम जानते हैं बेल्स पैल्सी के बारे में। जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलती है जिसे हम सेवंथ क्रेनियल नर्व कहते हैं, जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं, तो इस तरह से आपका जो सेवंथ क्रेनियल नर्व आपके ब्रांचेस होते हैं और फेस के आधे भाग को वो सप्लाई करते हैं, और दोनों तरह से आपके जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सेवेंथ क्रेनियल नर्व जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, दोनों तरफ से इस तरह से आता है। तो आपके जो कान के पास ब्रांच जो निकलते हैं उसमें वो कंप्रेशन हो जाता है, तो इस कंप्रेशन से नर्व कंडक्शन कम हो जाता है, और नर्व कंडक्शन कम होने से आपके जो मसल्स हैं, आपके फेस की मसल्स हैं, वो वीक हो जाती है एक साइड की, इसे हम बेल्स पैल्सी कहते हैं। अब ये इसमें कंप्रेशन होने का कारण क्या है? कंप्रेशन होने का कारण है इन्फ्लेमेशन। यदि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या डायबिटीज़ है या थायराइड है, प्रेगनेंसी में भी और कॉमन कोल्ड में भी, या कभी कभी तो ठंडी हवा में कुछ लोग निकलते हैं या बहुत ठंडे में सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा एसी चला के सोते हैं देखा गया है, तो उनको भी ये होने की संभावना रहती है, उसका रिस्क रहता है। इसके सिम्टम आपको जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे हमने बात की कि इसमें आपके जो फेस का आधा भाग वीक हो जाता है और वो मसल्स काम नहीं करते आपके फेस की, तो आपके क्या क्या इसमें सिम्टम्स होंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कान। तो कान में यहाँ पे आपको दर्द होगा क्योंकि यहाँ से आपके जो नर्व्स निकलती है उसमें कंप्रेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आपको दर्द होता है। आईब्रोज आपके ऊपर नहीं होते हैं और आईब्रोज ड्रॉप हो जाते हैं। जो आँख की पलकें हैं ऊपर की, वो खुले रहते हैं, आँख आप बंद नहीं कर सकते, तो आँख ड्राई होने लगते हैं और आपको आंसू कंटिन्यूसली निकलते हैं, तो ये एक सिम्टम है। आपके आप आँख एक साइड का खुला रहता है। मुंह है, यदि मुंह में भी आप एक साइड बंद नहीं कर सकते, तो ये जो कॉर्नर है मुंह का वो भी ड्रॉप हो जाता है और सलाइवा ड्रूलिंग होता है, सलाइवा निकलते रहता है, मुंह बंद नहीं कर सकते और सलाइवा निकलता है, तो आप मुंह खुला रहता है तो आप खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, तो ये प्रॉब्लम रहती है इसमें बेल्स पैल्सी में। और डिसआर्थ्रिया, आपको बोलने में तकलीफ होती है क्योंकि मुंह ठीक से बंद नहीं होता है, और एक तरफ का जो आपका फेस है वो पूरा वीकनेस से वो नीचे गिरा हुआ रहता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं बेल्स पैल्सी के। तो अक्सर लोग डर जाते हैं इस प्रॉब्लम से कि उनको पूरा पैरालिसिस हो गया है, तो ये प्रॉब्लम टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़े मसल्स वीकनेस आते हैं जो कि 2 हफ्ते से 6 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं लग। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको आप लेके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फेक्शन को कम करने के लिए आपके डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, तो इसमें डॉक्टर एंटी इन्फ्लेमेटरी में स्टेरॉइड देते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं जिससे आपका इन्फेक्शन कम हो। एक बार इन्फेक्शन कम होने के बाद जो मसल्स आपके वीक हुए हैं या अफेक्टेड हुए हैं उसमें एक वीकनेस रह जाती है, उसके लिए फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देते हैं हम उस मसल्स पे जिससे आपका मसल्स रीएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लग जाता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं जो आप क्लिनिक पे या घर पे कर सकते हैं, उस एक्सरसाइज की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें आप जानेंगे कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं और कैसे हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए जिसमें आपको सारी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की गई हैं, किस तरह से आप अपने फेस का ध्यान रखें, उसका केयर कैसे करें वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केयर में कि आँखों का कैसे केयर कर सकते हैं। तो आँख खुले रहते हैं, ड्राई होने की संभावना रहती है और ड्राई आँख में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। में आई ड्रॉप जिसे हम आर्टिफिशियल टीयर भी कहते हैं, तो ये आप हर घंटे आप दिन में लगा सकते हैं और रात में आप ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, तो जिस तरह से आपका जो आँख है मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा और उसमें ड्राइनेस नहीं आएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और आँख में डस्ट पड़ने की संभावना रहती है क्योंकि आँख खुला रहता है, तो और डस्ट से काफ़ी डस्ट में कुछ कीटाणु हैं तो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसलिए आँखों में पैच, जिसे हम आई पैच बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, या गॉगल या चश्मा लगा के आप कहीं भी जाइए, या तो उसमें आप बचे रह सकते हैं। एक प्रोटेक्शन रहता है चश्मे से, जिससे आपके डस्ट या कोई कीटाणु आपके आँख में ना आए। वार्म्थ में रहना चाहिए, हल्का जो पोटली बना के रुमाल की, गर्म सेक भी आप ऐसे ऐसे टैप कर सकते हैं। और यदि आपको आइस पैक है, एक्यूट फेज में है, तो आप आइस पैक भी लगा सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या स्वेलिंग है जिनको उसके साथ दर्द है, तो वो आइस पैक भी लगा सकते हैं। गर्म सेक करने से या आइस से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके फेशियल मसल्स पे, वो इम्प्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से जो टॉक्सिन्स जमा हो जाती हैं बिकॉज आपके जो आई मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, वो वॉश आउट होते हैं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करते हैं कुछ डाइट की। डाइट में देखा गया है कि वाइटामिन B12 एंड जिंक आपके आपके खाने में हो, तो आपके बेल्स पैल्सी में जो इन्फेक्शन है उसके हीलिंग में काफ़ी मदद करती है। तो आपको वाइटामिन B12 एंड जिंक आपके खाने में लेना चाहिए। आप उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं यदि आपको खाने में कुछ कमी है। तो विटामिन B12 नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, नर्व रिजनरेशन में हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ में, चिकन में, एग में, मिल्क में, एंड फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, ऐसे ब्रेकफास्ट जिसमें वाइटामिन मिला हो, इसमें ये पाया जाता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। बेल्स पैल्सीमिक स्लीपिंग पॉस्चर इज इम्पॉर्टेंट है। यदि आप जिस तरह अफेक्टेड साइड है उस तरह सोएंगे तो आपको कुछ सपोर्ट मिलता है, तो आप जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड सोएं। रात में सोने से पहले थोड़ा सा आप गर्म सेक कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मसाज कर सकते हैं। मसाज के बारे में हमारा एक अलग से वीडियो है, तो उसको आप पार्ट 3 में देखेंगे, जिसमें आपको सारे मसाज टेक्निक्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। तो आप सोने से पहले हल्का गर्म सेक और मसाज करके ज़रूर सोएं, जिससे आपको आराम मिलता है। तो ये थी बेल्स पैल्सी के बारे में कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किन किन को ज़्यादा रिस्क रहता है, और किस तरह से आप केयर कर सकते हैं, और क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फिजियोथेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जिनको करके आपके मसल्स को जल्दी से आप रिकवर कर सकते हैं। तो आप पार्ट 2 जरूर देखें, एंड पार्ट 3 में हम फेशियल मसल एक्सरसाइज के साथ किस तरह से आप मसाज कर सकते हैं, ये आप पार्ट 3 में देख सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ सवाल है, आपको कुछ पूछना है, या आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे वेबसाइट में भी जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।